अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर एग्जिट पोल पर तबसरा करते हैं। सबसे पहले आपको ताज्जुब होगा कि जहां तमाम एग्जिट पोल भाजपा एनडीए गठबंधन को जिताते दिखा रहे हैं, तो इत्तेहाद न्यूज ने कहां से दूसरा रुख दिखा रहा है, ऐसा कई लोग सवाल भी करते होंगे। आप सभी ने सरकारी एग्जिट पोल तो देखा होगा, मोदी या एनडीए को 325 से ऊपर ही दिखाएगा। कुछ बातों पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब की बार 400 पार का नारा पहले ही लगाया गया था, और अगर इतना ही भरोसा मोदी हुकूमत को था कि 400 पार होने वाला है, तो फिर कभी एनसीपी, शिवसेना या फिर जेडीएस के साथ गठबंधन की गुजारिश क्यों करनी पड़ रही थी। मतलब इस बार भाजपा एनडीए की नैया डूबने वाली है, पहले से ही मालूम था, लेकिन सरकारी चैनलों को पहले से हड्डी डाल दी गई थी, तो उस एहसान के बदले चाटुकारिता भी करनी पड़ सकती है। लिहाजा मुल्क भर में एग्जिट पोल को लेकर चर्चा जारी है। कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि जब मोदी की हवा थी ही नहीं, तो आखिर अवाम ने मोदी को वोट दिया कैसे। इलेक्शन कमीशन भी किसी तरह एनडीए की जीत हो इसकी कोशिश में पहले से लगा हुआ था, वरना तो मोदी के तकरीबन 10 इजलासों में सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ भी नहीं था, तो तभी मुकदमे दर्ज किए जाते। खैर, कर्नाटक की बात करते हैं तो सरकारी एग्जिट पोल ने महज 5 सीटें कांग्रेस को दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इंडिया गठबंधन को 295 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया हुआ है। दक्षिण भारत में भाजपा का वोट शेयर बढ़ सकता है, लेकिन सीटों को हासिल करना बहुत मुश्किल है। तमिलनाडु केरला में तो एक भी सीट भाजपा नहीं जीत सकती। खैर, दक्षिण भारत को जाने दो, सिर्फ महाराष्ट्र कर्नाटक का ही जायजा लिया जाए तो भाजपा एनडीए को किस तरह शिकस्त मिल सकती है देखने को मिल रहा है। बात पहले हमारे रियासत कर्नाटक से ही करते हैं। बेंगलोर की 4 जगहों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, इस तरह का कयास है। बेलगाम चिक्कोड़ी में कामयाबी तय मानी जा रही है। यहाँ की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश हमने भी थोड़ी बहुत की है। सौंदती, रामदुर्ग, बैलोंगल, अथनी, रायबाग, चिक्कोड़ी, निप्पानी जितने भी करीबी तालुकाएं हैं, यहाँ खुद मैंने भी घूम फिर कर वोटरों के दिलों की बात समझने की कोशिश की है। बेलगाम की ही बात करें तो जगदीश शेट्टर को किस लिहाज से वोटर अपना सकता है, अगर सिर्फ मोदी की तस्वीर दिखाकर लोगों को वोट लेने के लिए कहना, अब वो दौर चला गया। ये सवाल खुद भाजपा वालों में ही देखने को मिलता है कि बेलगाम के भाजपा वाले भले शेट्टर को वोट कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ मुकामी काफी सारे लीडर तो थे ही, लेकिन बजाय यहाँ मुकामी लीडरों को टिकट देने के जगदीश शेट्टर को लाया गया। खैर, यहाँ पर वक्ती तौर पर मकान लेने से वोटर मुकामी तो नहीं कह सकते। इससे पहले 4 मरतबा सुरेश अंगड़ी ने जीत दर्ज कर अपना सिक्का जमा लिया था, लेकिन असेंबली चुनाव में कर्नाटक की आवाम ने भाजपा को इख्तदार से नीचे उतारा और कांग्रेस को अक्सरियत के साथ हुकूमत बहाल की। 5 गारंटियों ने कांग्रेस को जिताया और इन गारंटियों को कांग्रेस ने लागू भी किया। यकीनन कुछ हद तक इख्तलाफात कांग्रेस में है, जो सभी सियासी पार्टियों में रहते भी हैं, लेकिन डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया ने आवाम की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अपनी तमाम सलाहियतों को लगाया। सभी जानते हैं कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा भी कारगर साबित नहीं हुआ। बेलगाम में मराठी वोटर भी हैं, कुछ भाजपा के हक में वोट किए हैं, लेकिन SC ST मुस्लिम OBC कुरबुर का बड़ा वोट बैंक है जो सीधे सीधे कांग्रेस के हक में गया। संविधान बदलने की हवा कर्नाटक में भी काम कर गई, लिहाजा अच्छी बढ़त के साथ कर्नाटक में कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, और जमीनी सच्चाई भी है। तकरीबन 16 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है, लेकिन सरकारी एग्जिट पोल तो कर्नाटक में सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। महाराष्ट्र में भी तस्वीर यही है, उद्धव ठाकरे को यहाँ आवाम ने अच्छी खासी वोटिंग की है। मराठी अस्मिता यहाँ का असल मुद्दा है। महाराष्ट्र के कारोबार, तिजारत, फैक्ट्रियां गुजरात ले जाया जा रहा है, लिहाजा महाराष्ट्र के मराठी मानुस को बेरोजगार करने की साजिश को यहाँ का मराठी मानुस समझ चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से गद्दारी की है, ये भी यहाँ की आवाम समझ चुकी है। और वैसे भी उमूमन यही बात कही जाती है कि महाराष्ट्र से मुराद ही ठाकरे है, इस तरह सोच यहाँ ज्यादा देखी जा रही है। और ठाकरे यानी बाल साहेब ठाकरे के फर्जंद उद्धव ठाकरे, आज भी बाल ठाकरे के फर्जंद के तौर पर अवाम में काफी मकबूलियत उद्धव ठाकरे को यहाँ हासिल है। यूपी के बाद महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में भाजपा ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। NCP 4, कांग्रेस 1, MIM 1, इस तरह सीटें हासिल की गई थी, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से बदला हुआ। भाजपा एकनाथ शिंदे को लेकर मुखालिफ माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सरकारी एग्जिट पोल यहाँ भी NDA को 32 से 35 किस बुनियाद पर दे रहा है, ये समझ से बाहर है। कर्नाटक भाजपा एनडीए के लिए मुसीबत साबित होने वाला है। 10 सीटों पर तो 4 तारीख के नतीजों से पहले ही बता सकते हैं यहाँ कांग्रेस जीत चुकी है, जिसमें खासकर बेलगाम, चिक्कोड़ी, गुलबर्गा, रायचूर, बीजापुर, बेंगलोर। सरकारी एग्जिट पोल पर कभी कभी तरस भी आता है कि कर्नाटक में जहाँ JDS अपने वजूद की जंग लड़ रही है, वहां 3 जगहों पर कामयाबी मजाक से बढ़कर कुछ नहीं है। 2019 में मुश्किल से JDS ने 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई थी।
कांग्रेस को भी एक सीट मिली थी, लेकिन असेंबली इंतखाबात के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। कर्नाटक एक ऐसी रियासत है जिसने मुल्क की सियासत का रुख बदल दिया है। कर्नाटक में भी भाजपा हिंदू मुस्लिम हिजाब हलाल झटका मंदिर मस्जिद टीपू सुल्तान के जरिए नफरती एजेंडा परोसने की कोशिश कर रही थी जो नाकाम हुई और आवाम ने कांग्रेस को जिता दिया। जबकि बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कहते हुए एक तरह से कांग्रेस ने जोखिम ही उठा ली थी, लेकिन महंगाई बेरोजगारी ही असल मुद्दे है। इस बात को आवाम के जहन में बिठाने में कांग्रेस कामयाब रही। और इसी तरह अगर मुल्क की सतह पर देखा जाए तो यही जो असल मसले हैं महंगाई बेरोजगारी, इसी का असर आवाम के जहन पर देखा गया। कांग्रेस ने 4 गारंटियां दी और वो जीत भी हासिल की। इसी गारंटी को चोरी कर मोदी की गारंटी बनाई गई। अगर पहले से ही 400 पार का भरोसा था तो इतने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी, ये भी सवाल उतना ही अहम है। राजस्थान यूपी बिहार कर्नाटक इन 4 रियासतों में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है। भले एग्जिट पोल में 300, 350, 400 पार नजर आ रही होगी, दक्षिण यानी जुनूबी हिंद में तो भाजपा कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकती। इसकी गुंजाइश न के बराबर कह दे तो गलत ना होगा। सबसे अहम बात यह रही कि जब किसी तरह की लहर ही नहीं है, मोदी जादू नहीं है, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र राम मंदिर का असर नहीं है, वही बेरोजगारी महंगाई किसानों की खुदकुशी बंद होती फैक्ट्रियां भुखमरी में गरीब मुल्कों की फहरिस्त में भारत, इंसानी हुकूक की पामाली में भारत आगे, मजहबी नफरत को बढ़ावा देने में सबसे आगे होने की बात। यूके यूएस कनाडा ब्रिटेन के कई एनजीओज ने फेरिस्ट में ऊपर नाम दर्ज किया हुआ है और इन तमाम के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर आखिर भाजपा एनडीए जीत कैसे सकती है, बड़ा ताज्जुब है। एक डिबेट में खुद भाजपा के गौर भाटिया ने यह भी कहा था कि मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं? क्या इन्होंने ईवीएम मशीन को पहले ही सेट करके रखा हुआ है? क्या ये लोग वाकई तानाशाही लाना चाहते हैं? खैर जो भी हो, इस तरह के एग्जिट पोल का मतलब या तो इन्होंने तमाम चीजों को पहले ही सेट किया हुआ है या फिर एक बार बड़े पैमाने पर झूठ परोसने की कोशिश की जा रही है। जो भी हो, इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें हासिल हो रही है और होनी चाहिए। भाजपा इंडिया को एक एक सीट के लिए तरसना पड़ सकता है। 220 के करीब भाजपा गठबंधन तो 250 के ऊपर इंडिया गठबंधन सीटें हासिल कर सकता है, ऐसा कई माहिर इनका कहना है, ये हमारा भी कयास है। 70 के करीब दिगर छोटी मोटी पार्टियां जीत हासिल कर सकती है। सरकारी एग्जिट पोल के जरिए माहौल तो बनाने की कोशिश मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया की जानिब से की गई है, लेकिन ये तमाम चीजें हकीकत से दूर हैं, ये भी उतना ही अहम है। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।